आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों एक बयान दिया था और वो बयान प्रशांत किशोर को लेकर दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्होंने प्रशांत किशोर को कोई ऑफर नहीं दिया था, बल्कि 4 या 5 साल पहले प्रशांत किशोर ने उन्हें एक ऑफर दिया था कि जेडीयू का विलय कांग्रेस में करवा लीजिए, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। बस ये बयान था नीतीश कुमार का, और उसके बाद से अब इस बयान पर पीके का, प्रशांत किशोर का पलटवार सामने आया है। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के इस बयान पर दी है। क्या कहा है, सबसे पहले आप प्रशांत किशोर के इस बयान को सुनिए। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है, उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में। वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है, अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं, ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है, इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। तो सुना आपने, नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो रहा है, वो घबरा गए हैं क्योंकि अब उनके पास कोई नहीं है, और उनकी उम्र का असर उनके बयानों पर और उनके कार्यों पर दिख रहा है। उन्होंने कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो क्या कहते हैं उसका कोई मायने मतलब ही नहीं निकलता है। कभी वो कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ थे, कभी वो कहते हैं कि जेडीयू और कांग्रेस का वो विलय करवाना चाहते थे। तो यदि वो बीजेपी के साथ थे तो वो कांग्रेस को और मजबूत क्यों करते? ये तमाम तरीके की बातें कही हैं प्रशांत किशोर ने, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उन्होंने बूढ़ा और बेबस बता दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बयानबाजी का दौर तो फिलहाल तेज़ है। बिहार की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का जो दौर है वो बहुत तेज़ है, और प्रशांत किशोर की पदयात्रा भी उतनी ही तेज़ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।